वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? और सभी को हैप्पी ईद, जितने लोग भी ईद सेलिब्रेट करने वाले हैं। और गला बहुत ख़राब रहता है, 24 घंटे गला ख़राब रहता है। अब तो मैं वो भी लेकर आ गई हूँ, दालचीनी, जिससे कि मैं चाय बनाती हूँ और उसके अंदर उसको डालती हूँ और फिर ऐसे पीती हूँ। रिलीफ ही नहीं मिल रहा है। तो आज की कुछ शुरुआत ऐसी हुई है कि सबने सुबह सबको एक दूसरे को हैप्पी ईद जो है विश किया, और जितने भी हमारे नेबर्स हैं सबका बहुत 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 अलग अलग अमेजिंग अमेजिंग प्लान था। लेकिन हमें, जैसे कि कल मोदीन अहमद ने इनवाइट किया था अपने प्लान के लिए, जो भी मतलब उनका इनविटेशन था कि वो हमें डिनर पर इनवाइट करके गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम उनका ये इनविटेशन एक्सेप्ट करें और मैं और काजल आज उन्हीं के उधर जाएंगे। तो उनके कुछ कजन्स भी होंगे और मैं और काजल वहीं जाएंगे। तो ये हमारा आज का प्लान है। तो अभी काजल रानी बस थोड़ा सा रेस्ट कर रही है, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने क्या किया, कल जो समोसे नहीं बनाए थे आज दोबारा से उसका मैंने पूरा प्रॉपर वो बनाया, जो थोड़ा सिंपल सिंपल बना दिया था ना आज, प्रॉपर तड़का लगा के, अनियन डाल के, मसाले डाल के, बहुत कुछ डाल के उसको मैंने प्रॉपर सेट किया और सारे समोसे बना दिए। तो आज सुबह से मैं और काजल समोसा चाट ही खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट में भी और लंच में भी। तो अब इवनिंग में हम लोगों ने सोचा है फटाफट रेडी होते हैं। और ये मैंने कैमरा इधर आप लोगों के लिए सेट किया है, क्योंकि जितने लोग भी ऐसे बोलते हैं कि दी अपना मेकअप रूटीन दिखाओ, तो मैं जो डेली करती हूँ वो मैं अभी आपके सामने ही करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बालों को पीछे करेंगे और कोई भी मुझे जज नहीं करेगा, क्योंकि यही मेरा डेली का मेकअप है। ये सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ, जो कि थोड़ी सी लेनी है, मतलब इतनी जितनी आपको लगे। मैं कोई फेस पे उसको अप्लाई नहीं करती हूँ, डायरेक्ट इसको ऐसे लगाना है। मैं जो लगाती हूँ ना वो दिखा रही हूँ आप लोगों को। आप लोग कैसे अप्लाई करते हैं फैंसी तरीके से, वो आपकी मर्जी है। मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया। अब एक सनस्क्रीन ये है और एक सनस्क्रीन ये है। जब बहुत ज्यादा धूप होती है तब मैं ये यूज करती हूँ, और नॉर्मली मैं डेली ये यूज करती हूँ। तो अभी मैं ये वाली यूज कर रही हूँ, और इसमें इसको मैं थोड़ा सा ऐसे अप्लाई करूंगी, क्योंकि कहीं ज्यादा कहीं कम मुझे नहीं करना है। आज तो गाइस सब इतना रेडी शेडी होकर गया ना, सब 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 इतना ज्यादा कि आपको बस मैं बता नहीं सकती। तो सनस्क्रीन भी लगा लिया है और ऑल सेट। अभी बस मुझे करना है ये ब्लशर है जो मैं यूज करती हूँ। अभी कहीं मुझे फाउंडेशन की या कंसीलर की नीड नहीं लग रही है, बहुत टाइम से तो मैं नहीं यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये पिगमेंटेशन की वजह से मैं बीच में यूज करने लग गई थी बहुत ज्यादा। बट जब मुझे ऐसा होता है कोई बहुत ऐसे प्रॉपर शूट है या कुछ है, तब मैं इस एरिया पे और यहाँ पे ऐसे कंसील या फाउंडेशन लगाती हूँ। तो हल्का सा हम लगाएंगे ब्लशर डायरेक्ट। अभी मॉइस्चराइजर लगाया था, फिर मैंने सनस्क्रीन लगाया और अब सीधा इसको लगा रही हूँ। तो इसको थोड़ा सा थोड़े के चक्कर में ज्यादा नहीं कर लिया, चलो कोई नहीं। ये इससे बस इसको ब्लेंड करना है। मुझे ब्लशर बहुत पसंद है गाइस, क्योंकि पहले पहले आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, ये ऑटोमेटिकली मेरा इतना यहां से एरिया पिंक ही रहता था, बट अब पता नहीं क्या हो गया है। मैं वैसा ही अपना फेस मिस करती हूँ, इसलिए मैं हल्का हल्का ब्लश लगा लेती हूँ। ठीक है, ये भी हो गया। चलो अब बारी है लिप ग्लॉस की, और लिप ग्लॉस की जगह इसका पता नहीं कवर किधर गया। ये मेरी फेवरेट फेवरेट सी लिपस्टिक्स हैं, दोनों के सेम कलर है, मतलब मैं ऐसे आपको दिखाऊं, ये है और ये पता नहीं मेबलिन है या लैक्मे है, इसका नीचे का कवर कहीं निकल गया। एक ये देखो, दोनों के ना कलर सेम है, और ये वो वाला लिप ग्लॉस है जो मैंने उस दिन दिखाया था। तो पहले मैं इसको लगाऊंगी, क्योंकि इससे ना जैसे थोड़े बहुत भी अगर आपके लिप्स वगैरह फटे हुए हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, मेरे बहुत ड्राई रहते हैं। ये मैंने लगा ली। अब इसके ऊपर इन दोनों में से कोई भी कलर लगा लेती हूँ, तो ये वाला लगाऊंगी अभी।
तो गाइज फेस फेस का तो जो है वो डन हो गया है। अब बस या तो हल्का हल्का सा मुझे लाइनर लगाने का दिल तो नहीं कर रहा है, बट मैं लगा लेती हूँ क्योंकि और अच्छा लगता है, फिर ऐसा लगता है प्रॉपर मेकअप किया हुआ है। तो ये मेरा फेवरेट मस्कारा, पहले लाइनर लगाती हूँ फिर मस्कारा। ये लाइनर है, मैंने कभी ऐसे वाली वीडियोस बनाई नहीं है, पर अभी मैं बना रही हूँ ना, मुझे अच्छा भी लग रहा है। रुको फोकस करो, मुझसे ये ही इजीली अप्लाई होता है जो ऐसे स्केच वाला होता है ना ये, तो इसके लिए मुझे उठना पड़ेगा और फाइनल लुक आपको बाद में दिखाती हूँ। पर जो मेन मेकअप होता है वो ये होता है, जिसे आप कहते हैं मेकअप, कई लोग कहते हैं बहुत मेकअप किया हुआ है, तो ये ही मेकअप था बस, देख लो इसी से ही मेरा फेस ऐसा होता है। तो बस अभी बाल बाल बना लेती हूँ, लाइनर लगाती हूँ, फिर लास्ट में आपको दिखाती हूँ। सो गाइस मैंने लाइनर भी लगा ली है, लेकिन अब लास्ट में ना मैं सोच रही हूँ एक लिप ग्लॉस है, ये देखो फोकस, ये कलर बार की बहुत बहुत प्रिटी सा कलर है इसका, तो या तो मैं ये लगाऊँ और एक है ये। तो ये दोनों, ये बहुत ही ऐसे पिंकिश सी है और ये पीच कलर की है। बाकी ना मेरे इसमें से काजल सारे सामान उठा देती है, इसलिए मुझे मिलता ही नहीं है। तो मैं बस दो तीन और थी, अभी वो ले गई है अपने अलग मेकअप किट में, और एक है मेरे पास ये, तो मैं ये लगा दी। ये ऑलमोस्ट खत्म हो गई है क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, तो इसको लगा लेती हूँ। और लाइनर लगाने के लिए थोड़ा फोकस चाहिए था, बहुत ही ऐसे पीछे पीछे लाइनर लगाया, आगे मुझे प्रॉपर ऐसे पसंद नहीं है अब, तो एक बार ये लगाती हूँ। अब बस काजल को उठाती हूँ, फिर कपड़े डिसाइड करते हैं। सोचा तो था कि सूट वूट पहनेंगे, फिर अब मे भी सूट ना पहने, मे भी, तो देखती हूँ वो क्या कहती है। चलो उसको उठाने चलते हैं। बाकी यही था मेकअप। अगर 15 मिनट बाद तू नहीं उठी तो मुझे क्या करना है काजल? कूद जाइए यहाँ से। इसने बोला है अगर मैं 15 मिनट बाद नहीं उठी तो तुझे या तो मेरी चादर खींचनी है या मेरे बाल खींचने हैं, तो मैं दोनों चीज़ें करूँगी। और मैं अभी अलार्म सेट कर रही हूँ क्योंकि ये उठने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है काजल, अपने बालों के लिए रेडी रहना, मैं दिखाऊंगी आज इन सबको कि कैसे उठाती हूँ मैं तुझे। सो गाइस फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं और हमने बहुत ही सिंपल बेसिक कपड़े पहने हैं क्योंकि अब रात हो गई है और सूट पहनने का कोई लॉजिक बन नहीं रहा था, क्योंकि काजल ने बोला कि अभी वेस्टर्न ही पहन लेते हैं, तो मैंने कुछ ये पहना है और काजल रानी है जल्दी और फटाफट। अगर हम दोनों के ना सिस्टर गोल्स होते हैं, अगर मैंने शर्ट पहनी है तो काजल ने भी शर्ट ही पहनी है। सल्ट, बुर्सल्ट। क्या कहते हैं इसको? बुर्सल्ट। बुर्शर्ट। बुर्सल्ट। बुर्शर्ट। बुर्सल्ट। अरे बुर्शर्ट यार, अरे मुर्शद यार। चलो चलते हैं यार, चलो अब जा रहे हैं गाइस हम। मैं तो दिखा दूं पहले, दिखा दी। देख रही थी कितनी देर ड्रामा कर सकती है। सो गाइज अभी हम वेट कर रहे हैं, वो लोग हमें पिक करने आएंगे, उसके बाद हम जाएंगे ईद पार्टी में। और हमें ये नहीं पता है वैसे ईद पार्टी है किधर, बस इनविटेशन था कि आज ईद पार्टी है। ठीक आजल,